बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये टेंपल, बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। और हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग उड़ीसा वाले पूरी टेंपल में ही आ गए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल चुके हैं जगन्नाथ टेंपल के लिए और मम्मी यहाँ मेरे पास बैठी है सामने और पापा वहाँ बैठे हैं फ्रंट सीट पर। हाय करो पापा। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मैं रह रही हूँ यहाँ पर 7 सालों से हैदराबाद में और अभी तक ऐसा टाइम ही नहीं आया कि मैं मम्मी पापा को घुमाने लेकर जाऊँ, क्योंकि इससे पहले जब मम्मी पापा आते थे यहाँ हैदराबाद तब मैं जॉब करती थी तो मुझे खुद ही छुट्टियाँ नहीं मिलती थी। मैं वीकेंड में ही मम्मी पापा को यहाँ आसपास घुमा देती थी और मैंने इससे पहले मम्मी पापा को, जब मम्मी पापा आए थे तब मैंने उनको चार मीनार और बिरला टेंपल ही घुमाया था। जब एक बार मम्मी आई थी तब मैंने उनको चार मीनार और बिरला टेंपल घुमाया, फिर पापा को और मेरे भाइयों को भी वहीं बस घुमाया है चार मीनार। हाँ, इसके अलावा मैं किसी और प्लेसेस में इन लोगों को ले जा ही नहीं पाई, पर ये इस बार हम लोगों को मौका मिला है कि मैं मम्मी पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना चाह रही हूँ। और इससे पहले अभी एक प्लेस हम मम्मी पापा को घुमा चुके हैं, वो है NTR गार्डन। मैं आपको ले चल रही हूँ जगन्नाथ टेंपल, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ जब हम टेंपल पहुँच जाते हैं, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। घंटियों की आवाज़ भी आ रही, घंटों की आवाज़ आ रही है, एक्चुअली बड़े बड़े घंटों की आवाज़ जो बड़े बड़े टेंपल्स में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरती हो रही है। और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि ये टेंपल पड़ता है बंजारा हिल्स में, रोड नंबर 12 में। और हम लोग यहाँ पर मम्मी पापा के साथ में आई हूँ और मम्मी तो अंदर जा चुकी है, अब मैं भी जा रही हूँ अंदर और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मेन टेंपल जहाँ पर विष्णु भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको मंदिर की सराउंडिंग ज़रूर दिखाऊंगी। अंदर और भी छोटे छोटे टेंपल्स हैं, तो चलिए भगवान के दर्शन करने के लिए हम अंदर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे ये मंदिर का जो एंट्रेंस है गेट पर, उसमें कलाकृतियां बनी हुई हैं अलग अलग भगवान जी के, नहीं पूरे कृष्ण भगवान के, हाँ भगवान भगवान कृष्ण जी के पूरे मतलब अवतार हैं और उनकी लीलाओं का, हाँ उनकी लीलाएं हैं, उनकी मूर्ति कृष्ण की लीलाएं हैं, लीलाओं को दर्शाया गया है। और ये यहाँ पर पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है। ये देखो मम्मी, यहाँ सामने भगवान जगन्नाथ भगवान जी, सुभद्रा और कृष्ण, सुभद्रा और कृष्ण, हाँ बलदाऊ सुभद्रा और कृष्ण। बाहर ही हम लोगों को दर्शन हो गए है ना, अंदर तो और भी अच्छी लीलाएं हैं। हाँ, ये सारी लीलाओं को इस तरह से बाहर के, हाँ ये गेट के बाहर ही शेर है हाँ। ये शेर पहरेदार है। अच्छा, ये जगन्नाथ जी, हाँ 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 हाँ, ये सामने है जगन्नाथ जी। जो लोग नारियल फोड़ के खाते हैं ये चैतन्य प्रभु है, चैतन्य प्रभु होते हैं। सही में मम्मी? हाँ। अच्छा, चैतन्य प्रभु उस तरफ भी है, ये भी है चैतन्य प्रभु। और ये
वाव, एक तो शाम का समय है और आरती का टाइम है, तो देखो मम्मी अंदर भी मूर्ति वाली है रोशनी। हाँ यहाँ पर दीपक जलाया जाता है अंदर, क्योंकि हम दीपक वगैरह नहीं जला सकते इसलिए मंदिर के बाहर, यहाँ हम मेन जो भगवान पुरी जी का टेंपल है वो बिल्कुल सामने है, अंदर सीढ़ियाँ है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है टेंपल। हाँ अंदर और भी छोटे छोटे टेंपल है ना मम्मी, जिसमें ये है शंकर जी। मम्मी यहाँ पापा को टीका लगा रही है। दोस्तों ये देखिए हम लोगों को अब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो चुके हैं और ये सामने ही आप देख सकते हैं, ये जो सामने ये जो दरवाजा दिख रहा है यहीं पर भगवान जगन्नाथ जी विराजे हुए और आप टेंपल देख सकते हैं। और अब हम लोग बहुत ही सही समय पर आ गए थे क्योंकि जब हम एंट्री कर रहे थे तभी आरती हो रही थी और अब हम लोगों को दर्शन के बाद अब हम लोग खा रहे हैं प्रसाद, हम लोगों को प्रसाद मिल गया है, मम्मी पापा भी प्रसाद खा रहे हैं जगन्नाथ के हाथ की जगत प्रसाद। हाँ ये कहते हैं ना भगवान जी का प्रसाद है किस्मत से मिलता है, भगवान जी ने हम लोगों को आज बुलाया है अपने द्वार पर, तो अब हम उनके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, प्रसाद मिलता है खाजा, अंकल खाजा कैसे दे, 60 रुपये एक ये दे दो, एक खाजा क्या है, छेना गाजा खाजा गाजा तीनों है, कोकोनट है और लड्डू है प्रसाद में। प्रसाद यहाँ इस टेंपल में फेमस कौन सा मम्मी, गाजर ग्राह, गज का पैर फंसा है तो भगवान उतार करते गज का। हाँ हाँ और उसका ग्राहक मम्मी को तो बहुत ज्यादा पता है यार मम्मी। हाँ ये कंस वध है और ये बहेलिया शायद वो मारता है, ये यहाँ पे भी भगवान का एक अवतार, हर हर मतलब यहाँ पर जितनी भी भगवान की लीलाएं दिखाई गई हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। हाँ। है ना। हाँ ये देवी जी हैं। हाँ ये सब देवियाँ हैं, दुर्गा देवी काली, मतलब चारों तरफ मंदिर में आवाज आएगा, भगवान कृष्ण के साथ साथ और भी दूसरे भगवान जी हैं जो उनकी यहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और ये मंदिर के सबसे पीछे है गायत्री माता, ये यहाँ ये ब्रह्मचारिणी माता है, ये पूरी जितनी नौ मात, हाँ महागौरी, ये सारी नौ देवियों के यहाँ स्वरूप बनाए गए हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है यार रात में ये मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर देखने में, नाइट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देवों का
दोस्तों मेरी मम्मी को काफी कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी कथाएं हैं और उनके जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, मतलब कलाकृतियां हैं, वो मम्मी मुझे बता रही है। मुझे बहुत सारी पता नहीं है, मम्मी मुझे बता रही है। कृष्ण बलराम भी कृष्ण बलराम जा रहे हैं, जंगलों में नहीं जाते, भिक्षा लेने जाते हैं। हाँ, और हम लोग मंदिर के सबसे पीछे वाले हिस्से में आए हुए हैं, है ना पापा? और बहुत अच्छे समय पर आए थे तो हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया भगवान जी का। और थोड़ा ये है नवग्रह, सारे जितने भी नवग्रह भगवान जी हैं। भगवान जी झूला में झूल रहे हैं। अभी देखो शाम का समय है तो अभी शाम रामचंद्र भगवान का है, ये बन जा रहे थे तब का दिख रहा है। हाँ, का ये रामचंद्र जी का है, ये राम सीता हरणी, ये सीता हरणी साइड राम जी की कलाकृतियों का भगवान बोली वहाँ वानर सेना में बनी हुई है। देखो सारी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानी लगी थी जब का है। हाँ हाँ, ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। वो उस साइड एक साइड में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर श्री कृष्ण जी की जितनी भी सीताराम लौट के सीताराम वनवास से लौट कर आने की बात का है ना, ये मारा शक्ति शक्ति लगी है लक्ष्मण जी, ये वो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को ले जा रहे हैं। हाँ, मत्स्य अवतार है ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है ना, ये पूर्व अवतार कश्यप भगवान कश्यप अवतार है कछुआ का। अच्छा, भगवान जी ने इस तरह से अवतार भी लिए थे? 24 अवतार है। अच्छा, और ये कुर्म अवतार नहीं, अरे सिंह नरसिंह नरसिंह अवतार नहीं, ये शुकर का नहीं, क्या बोलते शुकर को, शुकर शुकर, हाँ वो मुझे पता नहीं। ये है ये नरसिंह अवतार है ना, ये बामन है, ये नरसिंह अवतार, ये है बामन, ये भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं हमने सभी कुछ दिखाने की कोशिश की है। हाँ, अरे पूरे 24 अवतार हैं, ये परशुराम अवतार है। हाँ, रामचंद्र जी अवतार है। हाँ, और देखिए कौन सा अवतार है, अवतार ये है, ये तो वो लग रहा है बलराम का हल्दर अवतार। अच्छा, ये कौन सा है, बुद्ध अवतार। और देखो कितना, अब थोड़ी भीड़ दिखने लगी, जब अपन आए थे तुम नहीं थी क्या मम्मी? तो दोस्तों अब हम लोग बहुत मंदिर के चारों तरफ घूम चुके हैं और भगवान के बहुत सारे अवतार मम्मी ने जो मुझे नहीं भी पता थे वो सारे अवतार मुझे बताए, और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आकर। मैं तो बहुत दिन बाद आई हूँ जगन्नाथ टेम्पल, मंदिर के आसपास बहुत सारी लाइटिंग है और रात में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मंदिर, है ना पापा? मतलब लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, जिससे मंदिर में जितनी भी भगवान जी की कलाकृतियाँ बनी है वो साफ साफ बहुत ही अच्छे से दिख रही हैं। और मुझे ये जो है ये वाला जो पार्ट है बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये वाला ये है ना एंट्रेंस में बहुत बड़ा स्तंभ है। हाँ, और यहाँ पर एक पीछे
बहुत ही सुंदर सा रथ है, कृष्ण जी का रथ, कृष्ण जी का रथ जो जिसमें वो महाभारत में स्वामी आ जाओ कृष्ण जी अर्जुन को बैठा कर ले जा रहे थे ना, वो है सारथी। हाँ सारथी मतलब पूरे टेंपल में सारे भगवान जी है ना वो कलर्ड है, बस ये वाला एक जो पार्ट है ये जो बना हुआ है, ये जो कृष्ण जी और जिसमें ये हाँ अंदर भी जगन्नाथ जी बने हुए, बस ये वाला जो है वो सफ़ेद है, बाकी जितनी भी चारों तरफ मंदिर के कलाकृतियाँ बनी हुई है वो कलरफुल है, बस ये वाली एक जो जिसमें नहीं, इसमें और वाइट मूर्तियाँ हाँ इस तरफ बस यहाँ इस वाले हिस्से में वाइट वाली बनाई गई है। और यहाँ पर क्या है मम्मी सब मूर्तियाँ हैं? हाँ और यहाँ से ये देखिए मंदिर का, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना शानदार लग रहा है। और ये पूरा उड़ीसा का जो ओरिजिनल जो पूरी टेंपल है उसी का रेप्लिका है जो कि यहाँ की ओड़िया कम्युनिटी ने बनाया है। मंदिर है ये कि जगन्नाथ पुरी हाँ। में भगवान अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं। हाँ तो मम्मी बता रही हैं कि उनकी बहन सुभद्रा है, उस तरफ बलराम है, इस तरफ वो है, भगवान तीनों भाई बहनों के साथ में अपने विराजमान हैं। जगन्नाथ पुरी एक ऐसा टेंपल है जिसमें भगवान अपने भाई बहनों के साथ विराज हैं। हाँ भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है ये मंदिर। सुभद्रा भी हैं साथ में, बीच में सुभद्रा, बीच में सुभद्रा हैं और भगवान बलराम है, एक तरफ कृष्ण है, बलराम है और भगवान कृष्ण है। और इनसे जुड़ी एक कहानी भी है ना? हाँ, टेंपल से भी जैसे उड़ीसा में वाले पूरी टेंपल से ना यात्रा निकलती, यहाँ इस टेंपल से भी सारे हिंदुस्तान में निकलती है, सारे हिंदुस्तान में जहाँ यात्रा निकलती है, नहीं जहाँ जहाँ टेंपल है जगन्नाथ जी के वहाँ तो अपने जबलपुर से भी निकलती है। कब निकलती है? जिस दिन वहाँ निकलती है। हाँ तो यहाँ से भी निकलती है शोभा यात्रा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में तो वो कांधा में लेके उनको इसी तरह यहाँ पर भी कांधे में लेकर ही भगवान को घुमाते हैं। हाँ भगवान जी को घुमाते हैं, दर्शन करने के लिए यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से विदेशों से आते हैं, विदेशों से आते हैं। ये देख रहे हैं आप व्हाइट कलर का डॉगी भी एक आ गया है हम लोगों के साथ में एंजॉय कर रहा है, बैठा हुआ है और हम लोगों की बातें सुन रहा है। क्या कर रहा है? कोई रिश्तेदार तो नहीं है पुराने? और देखो देखो फ्रेंड्स, अरे मम्मी का ये देखो फ्रेंड्स, मम्मी का हैंडशेक किया ये डॉगी, इसका मतलब ये कोई मम्मी मामूली डॉगी नहीं है, ये इसे ट्रेंड डॉगी है। बहुत ही शांत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये हैंडशेक। वाओ ओ माय गॉड मम्मी, दोस्तों ये जो डॉगी है ये मम्मी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया, जैसे कि बहुत जान पहचान है इससे हमारी, पुरानी रिश्तेदारी हो पुरानी पहचान का हो हेलो हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, सेकंड करो, हैंडशेक करो, सेकंड करो, हैंडशेक करो, चिंता करो नहीं दे रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है कि किसको हैंडशेक करना है किसको नहीं करना है। हाँ फाइनली हैंडशेक कर दिया वो पहले पहचानेगा फिर बाद में। हाँ हाँ ये जानवर तो सबसे पहले आदमी को पहचानता है, इसके बाद दूसरे को। हाँ हाँ चलो बेटा तो दोस्तों अब हम लोगों के निकलने का टाइम आ गया है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मंदिर परिसर को घूम लिया है। हाँ। है ना पापा? पूरा मन लगा के, मन लगा के और बहुत देर तक हम लोग बैठे भी रहे, बहुत शांति मिल रही है इस मंदिर में आकर। दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, जा रहे हैं ताकि 20 किलोमीटर हाँ जा रहे हैं ताकि एक बार भगवान जी हमें और बुलाएं और फिर हम दर्शन करने आए। और मैं बुलाएंगे और मैं भगवान जी मुझे ऐसा मौका दे कि मैं फिर से मम्मी पापा को लेकर आऊं इसी तरह।
दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल से और हर घर आ चुके हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय और किया, बहुत सबसे अच्छा पहली बात कि हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही हम लोग पहुंचे मंदिर तो आरती चल रही थी, आरती में शामिल हुए, उसके बाद प्रसाद मिला, हम लोगों ने खाया वहीं बैठ के, हाँ प्रसाद खाया और बहुत एंजॉय। तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।